What a wonderful world. सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हम करने वाले हैं जो लुक अभी आपने देखा, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बीबी क्रीम पॉन्ड्स की, और जो आपको अभी मेरे इतने घटे से बाल दिख रहे हैं क्योंकि अभी ये गीले हैं और सुलझे भी नहीं है। समझ जाओ ना बस कौन सी ले रही हूँ, ठीक है। इनको बांध देना है, लेकिन मम्मी डांटेगी इसलिए हम ऐसे करते थे। पता नहीं कि मैं इसको कंसीलर की तरह कर लिया है, और अब इस पॉन्च को हम करेंगे लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्पॉन्ज जो है ये खराब नहीं गंदा है, तो ये गंदा नहीं, इसका कलर ही ब्राउन ऐसा है। सही कि मेरे को अच्छा लगता है ऐसे करना। सो पहले तो मैं दोनों का कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये हो चुका है, और अब मैं पीऊंगी ड्राई स्पॉन्ज। और मजा आता है मेरे को, पता नहीं क्यों, पता नहीं मैंने अभी भी क्यों करा, लेकिन कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं स्टार्ट। कुछ घुस गया मेरी आंख में, रियल प्रोस कुछ घुस गया, रुको, तो निकल चुका है बहुत जल्दी, उसे तो नहीं क्या घुस गया था। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपनी कर लेंगे आईब्रोज, तो उसके लिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, ADS कॉस्मेटिक्स का परफेक्ट आई लिप पेंसिल, लिप आई पेंसिल है ये। तो क्या मैं आपको दिख रही हूँ, अब दिखूंगी। और मैं पहले बता दूं, मैं कोई थ्रेडिंग नहीं बनवाती हूँ, मेरी रियल शेप है, काफी अच्छी है ना, मेरे को पता है। कोई बात नहीं, इतनी अच्छी शेप मैंने पहली बार बनाई आईब्रो की, मैं कभी ऐसे आगे मतलब करती नहीं। तो मेरी वाली आईब्रो हो चुकी है, अब मैं ऑफ कैमरा ये वाली आईब्रो कर लूंगी। बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ मैं, मेरे को पता है, हो जाती है वो। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। सो मेरी वाली आईब्रो भी हो चुकी है, और अब हम करेंगे आई शेडो। ये वाली पैलेट यूज कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी की फैशन आर्टिस्ट इन 04। ये रहा 04। तो येलो, यस, ऑरेंज, और ये वाला पिंक, जो कि बहुत, ओह मेरे ब्रश बिल्कुल मैच है। सो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, ये रहा, और ये देखो, तो इसको हम लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, इसको ये क्रीज लाइन, क्रीज लाइन पे ऐसे ले जाना है, और बिल्डअप करना है इस कलर को हमें। और फिर हल्का क्रीज लाइन से भी ऊपर लेके जाना है, हल्का सा, मतलब क्रीज पे अभी समझ लो, क्रीज लाइन के अंदर भी और बाहर भी है, मतलब अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाएगी तो बाद में हम उसको कंसीलर से सेट कर देंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करो।
ठीक है। कलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर हमारा खत्म हो गया तो अंदर लगाएंगे, मतलब बाहर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें एक उसके अंदर ब्लेंड कर देना है ताकि ऐसा लगे कि कुछ मतलब हार्श लाइन बिल्कुल ना दिखे किसी भी कलर की। ये वाला कलर पिंक वाला कलर जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है। अगर आपको ये सारे कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब आपको कोई और ड्रेस है, कुछ और है, तो आप दूसरे कलर के अंदर जा सकते हैं बिल्कुल अपने ड्रेस के हिसाब से, जो कि आपको अच्छा लगे या फिर आपको अच्छा लगे। मेरे पे अभी टिश्यू वहाँ पे यार, मैं इतने दूर नहीं जा रही, तो मेरे पे एक स्पंज है यार, प्लीज़ मेरे को बता दो इस स्पंज का क्या काम होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता। इससे आई गेस फाउंडेशन लगाते हैं ना। तो उस टिश्यू से आप अपना ब्रश साफ कर सकते हो। अभी मेरा ब्रश काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है, मतलब पूरा साफ नहीं करूँगी यार, टिश्यू में कितना साफ करोगे, लेकिन अब इससे ना ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं आया हाथ पे, मतलब साफ हो चुका है और साफ नहीं होगा। तो हमें अब लेना है अपना कंसीलर और उसको अपने ब्रश पे लगाना है, ये छोड़ना है किसको और उससे रुक जाओ, ये इसमें तो मेरा है ही नहीं, मैं भूल गई थी। फिर हमें वापस से चाहिए अपना वही पैलेट प्यारा सा, और उसमें से मैं ले रही हूँ ये वाला कलर, ये शिमरी टाइप है, शिमरी आई मीन शिमरी टाइप है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर अभी तक किसी ने इस वाली पैलेट से कोई भी वो नहीं बनाया ना आई लुक, तो मैं बना रही हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा आई लुक। तो यार प्लीज़ इसको शेयर कर दो, जिस पे भी है ये पैलेट उस तक पहुँचा दो, सब तक पहुँचा दो, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कलर्स भी हैं। तो बस अब इसी कलर को मैं बताती हूँ, देखो पहले ना मैं अंदर अंदर ना ऐसे ब्रश से कर लेती हूँ अभी सारा ब्रश से कर लिया, अब मैं लेती हूँ अपनी ये वाली फिंगर थर्ड वाली, इसको उसी शिमर वाले शेड लगाती हूँ, तब उसे करती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है वो। और जैसे भी आपको ये सारी अजीब सी हार्श लाइन ये सब दिख रहा होगा, उसको भी हम अभी सही करेंगे। सो हो गया, मजाक कर रही हूँ, अभी नहीं हुआ है। अब हम लेंगे वापस से अपना वही ब्रश, और हम क्योंकि एक ब्रश से ही कर रहे हैं पूरा आई लुक, तो इसको ऐसे साफ है, मतलब पूरा साफ है, कुछ नहीं लिया है ब्रश पे, उसको उसके अंदर ब्लेंड करना है बस।
अगर आप में भी हार्श लाइन दिख रही है, जैसे मेरी हल्की हल्की दिख रही है, तो बस वही से कलर लेना, येलो लिया उसको उसके हल्का सा ऊपर लगा देना। ऑरेंज वही मैरून टाइप कलर, और लास्टली हमारा प्यारा सा पिंक। ये किया था क्या मैंने पिंक में? नहीं ना, तभी ऐसा हुआ। देखो अभी थोड़ी चीजें अजीब सी दिख रही है, लेकिन जब हम पूरा फेस का मेकअप कर लेंगे ना, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको मिलती हूँ मस्कारा, आईलाइनर और लैशेस लगाने के बाद। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, तो अभी मैं आपको खाली ना आधे फेस का मेकअप करके दिखाऊंगी, और ये बार बार जो इतनी लाइट आ रही है उसको भी फिक्स करना होगा। तो मेरा स्पॉन्ज अभी भी गीला ही है थोड़ा, वापस आप लोग कैसे करते हो प्लीज मेरे को बताना, मैं तो ऐसे करती हूँ पागल होती रहे मतलब। और मैं ना इस साइड से करती हूँ, प्लीज मेरे को जज मत करना, मेरे को इस साइड से ज्यादा अच्छा लगता है। जो लोग यहाँ से करते हैं ओके, लेकिन मेरे को यहाँ से पसंद है, अंडर आई के नीचे यहाँ से अच्छा लगता है। ऐसे होता ना तो ज्यादा सही लगता। सारा हटा दो, और मैंने नेक में नहीं किया, मैं लास्ट में कर लूंगी, पता नहीं क्यों मैं लास्ट में करूंगी, लेकिन लास्ट में ही करूंगी। यार इस आंख की बेकिंग अभी हटा रही हूँ, ज्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी। कंटूरिंग शायद, देखो मेरे को पता है इस ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है, लेकिन मैं इस ब्रश से कंटूर करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। और ये जो मैं लुक बना रही हूँ ना, ये ट्रेडिशनल के साथ भी चल जाएगा और वेस्टर्न के साथ भी, तो काफी अच्छा लुक है। ये वाले ब्रश से थोड़ा मैं राउंड राउंड कर देती हूँ, लगाती हूँ, इससे नहीं लगाती। बाल देखो मेरे। मेरी स्माइल बहुत गंदी है, प्लीज ऐसे मत देखो। नोज की कंटूरिंग नहीं करी हमने, शिट। फिर पता नहीं क्यों मेरे को इस ब्रश से क्या ऑब्सेशन है। लास्ट रहता है हाइलाइटर, और मैं पहले तो मैं हाइलाइटर भी ये तो इस ब्रश से लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत पसंद है, या फिर हाथों से, क्योंकि हाथों से जो है ना काफी ज्यादा। क्या है ये, क्या है ये?
लेकिन ना मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पहले लिप लाइन कर लेंगे, मेरे से फिर गड़बड़ जाती है। तो लिप लाइनर कहाँ है हमारा? लिप लाइनर मैं ले रही हूँ ये वाला, ख़त्म हो चुका है पत्ते क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है शेड। यार का क्या लिखा था मेरे को नहीं याद यहाँ पे, तब भी देख लो जितना दिख रहा। फोकस ऑन दिस दिस, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। एम एन मिन जनरेशन टू जो भी लिखा, क्या करोगे इतना जान के। और जिसमें मैंने पापा का मेकअप किया है, प्लीज बताना कैसी लगी वाली वीडियो। तो अभी मैं आपको मिलूंगी आधे मेकअप करने के बाद यार, क्योंकि अभी बहुत डिस्टर्ब होगा क्योंकि पापा का फोन हो चुका है। अभी पूरा मेकअप करके दिखा देती हूँ, बाय। और बाय नहीं, रुक जाओ। सो हो चुका है मेरी इस साइड का अभी मेकअप। और मैं सच बताऊं तो जितना आप लोगों ने देखा था ना कि मेरे को जितना भी टाइम लगा था मेकअप करने में, उतना टाइम सिर्फ कैमरे के सामने लगता है क्योंकि कैमरे के सामने मैं बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो मेरे बहुत जल्दी हो गई जब मैंने ऑफ कैमरा में किया, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। और सिर्फ एक मेकअप ब्रश से हमने इतना ज़्यादा अच्छा मेकअप कर लिया, मेकअप ब्रश से नहीं, एक ही आई शेडो ब्रश से है। तो ये था मेरा फाइनल लुक, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं कोई ऐसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, तो मेरे को बस जितना आता है मैं उतना दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ। सिखाना मेरे को आता नहीं है लेकिन दिखा देती हूँ। अगर आप लोग बहुत टैलेंटेड हो तो आप लोग सीख गए होगे, है ना। और कितना अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बोल ही दिया, मेरा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार। ये खाली एक वो नहीं है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बिना सुने चले जाते हो, सुन लिया करो और कर भी दिया करो सुनते हो तो प्लीज। बाय, बहुत अच्छा मेकअप लुक हुआ है।